Good morning, bachcho. Myself, Ajay Gundawar, chemistry faculty. Today, we discuss about optical isomerism, that is lecture number 3. Okay, so today we discuss about enantiomers. Now, what are enantiomers? Optical isomers that are non-superimposable mirror images are called as enantiomers. What they are? They are non-superimposable mirror images. Dekho, yahan ek example diya hua hai. CH3CH NH2COOH. अगर यहाँ मिरर लगाया गया है तो इसका मिरर इमेज जैसा दिख रहा है, यहाँ राइट साइड जो COOH है, यहाँ लेफ्ट साइड और यहाँ का CH3 इस तरफ. सो देखो बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स अगर मान के चलो ये वाला राइट साइड वाला जो दिख रहा है इसको उठा के इस तरह लगा दिए तो यहाँ जो थंब्स है अगर अपोजिट साइड रहा तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर. सो एनांशियोमर में कौन सा कंडीशन जरूरत है? नॉन सुपर इम्पोजेबल. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स एंड दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन 3D आर 3-dimensional स्पेशल अरेंजमेंट. मीन्स स्पेस में ये वाला एटम अगर राइट साइड दिखता है ग्रुप तो ये वाला लेफ्ट साइड दिखेगा, बस वही डिफरेंस रहेगा. एनांशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इन देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर मान के चलो ये कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज का रोटेशन करता है तो उसका मिरर इमेज क्या दिखाएगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट, एनांशियोमर्स हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड्स एंड बेसिस. सो लेफ्ट वाले कंपाउंड का जैसा रहेगा राइट वाले का भी रहेगा. Enantiomers have different biological properties. This is about enantiomers. So, enantiomer में important वाला क्या है? Non-superimposable mirror images. बच्चों फटाफट इसका screenshot ले लो. देखो बच्चों, diastereomers. The stereoisomers which are non-superimposable and do not bear mirror images are called as diastereomers. एनांशियोमर में नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस रहना है. डायस्टीरियोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस रहा तो उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स. देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 3-bromo-2-hydroxy-butane. सो यहाँ 1 and 2 स्ट्रक्चर्स, दीज आर एनांशियोमरिक पेयर्स एंड 3 and 4 आर अगेन एनांशियोमरिक पेयर्स. बट इसमें अपने को डिस्कस करना है डायस्टीरियोमर्स. तो अभी कंपैरिजन करो 1 से 3rd और 1 से 4th. सो 1 and 3 पेयर्स, नाउ इट इज डायस्टीरियोमरिक पेयर. अभी 2nd to 3rd एंड 2nd to 4th. नाउ 1 and 3, 1 and 4 diastereomeric pair. Now 2 and 3, 2 and 3 and 2 and 4 both are diastereomeric pair. अगर second structure उठा के third पे लगा दिए हैं तो mirror image भी नहीं बनेगा और non superimposable structure रहेगा. इसको बोला जा सकता है diastereomeric pair. इसमें important point देखो बच्चों, दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट द रेट्स ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट. इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग रहेगा. नाउ दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट वन का मेल्टिंग पॉइंट और थर्ड वन का मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग रहेंगे बिकॉज दीज आर डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स. And they can be easily separated through fractional crystallization, fractional distillation and chromatography like techniques. This is about diastereomers. बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों, मिसो कंपाउंड्स, ए कंपाउंड विद 2 or more chiral compound, chiral centers, but also having a plane of symmetry is called as meso compound. देखो बच्चों, यहाँ टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिया गया है. टार्टरिक
ये दो खैरल सेंटर के बीच में से एक एक्सिस लिया गया है, इस एक्सिस के साथ अगर इस दो खैरल सेंटर के बीच में से अगर काटा गया है तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा नीचे वाले स्ट्रक्चर से मिरर इमेज बनता है, उस तरह कंपाउंड को बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा वो कंपाउंड 100% मिसो कंपाउंड रहेगा। तो देखो वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड मिसो कंपाउंड्स डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन दैट इज दे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये रोटेट करेगा इंडिविजुअली, ये हाफ करेगा इंडिविजुअली, ये हाफ करेगा, बट टोटल मॉलिक्यूल लिया गया है तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड दिस कैंसलेशन ऑफ रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल इज रिफर्ड टू एज इंटरनल कंपेंसेशन। सो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये कंपेंसेशन हो रहा है इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल कंपेंसेशन। बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड एक एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। इसका यूटेज रहेगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोडिक एसिड। टार्टरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना रहेगा, 1, 2, 3, 4। इसमें देखो सेकंड एंड थर्ड कार्बन आर खैरल कार्बन, सो अगर एक से ज्यादा खैरल कार्बन रहा तो वहां कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलेगा, उसके लिए अपने को पता रहना है इस वाला प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ खैरल कार्बन। सो यहाँ 2 to the power 2 मीन्स यहाँ कितना रहेगा, 4। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने आ रहा है, 4 आ रहा है। वो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाला ये टार्टरिक एसिड पॉजिटिव, इट मींस दिस रोटेट प्लेन पोलराइजिंग लाइट टुवर्ड्स टू राइट साइड, उसका मिरर इमेज माइनस वाला रहेगा। और ये थर्ड एंड फोर्थ वाला मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड इसके पहले डिस्कशन करें तो देखो यहां ए वाला कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री और बी वाले कंपाउंड का 170 डिग्री बिकॉज दे आर मिरर इमेज। बट सी एंड डी में कौन सा भी एक ले लो उसका ऑब्जर्व करो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो रहा है, 143 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का आइसोमरिज्म ऑफ टार्टरिक एसिड। बट इंडिविजुअली दीज टू आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इंडिविजुअली, बट अगर मिक्सचर लिया गया है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ये याद रखो। ओके अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।